गुड मॉर्निंग, मैं अविनाश, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 11th सीबीएसई एंड आईएससी जो बोर्ड्स है, वो दोनों बोर्ड्स के लिए सेम ये टॉपिक हमें लिया हुआ। डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट टॉपिक अभी लेकर चल रहा है वो है, आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट रोल है और आपका जो डिवाइड फॉर्मेशन रहता है, जैसे यू बाई बी फॉर्मेशन हो गया, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले वाला हमारा टॉपिक था वो था फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट मुझे कैसे करना है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और इस जगह पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाला हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका एक्स क्यूब है और दूसरा फंक्शन आपका टेन एक्स है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज को समझिए कि अगर दो फंक्शन u इंटू v फॉर्मेशन में हो और हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो dy by dx, तो इसका रूल्स जो है वो क्या है। सबसे पहले कोई भी एक टर्म्स आप बाहर कर लीजिए, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म्स को आउटसाइड कर लीजिए फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंशिएशन। इस प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करके जितने भी प्रोडक्ट रूल्स हैं उन सारे रूल्स सारे क्वेश्चंस को हम इस प्रोडक्ट रूल पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के टर्म में यहाँ दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डॉट टेन एक्स बाई डी एक्स। नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म्स जो होगा वो आप आउट कर लीजिए, कोई भी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म दैट मीन्स यू हमने एक्स क्यूब लेट कर लिया और बी टेन एक्स को डिफरेंशिएट ऑन सेकेंड टर्म्स अपॉन डी एक्स प्लस, नाउ सेकेंड टर्म्स आपका आउट हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑन फर्स्ट टर्म्स। और इसका जो रिजल्ट सिंप्लीफाई करके आएगा वो एक्स क्यूब टेन का डिफरेंशिएशन होता है सिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करके आप केवल लिख रहे हैं एक्स क्यूब सिक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टेन एक्स। यहां पर मुझे कुछ कॉमन भी मिल रहा है और वो कॉमन एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, सो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टेन एक्स। तो इस तरह से फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम दिया हो तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था प्रोडक्ट रूल्स का ही, सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। और सेकंड एग्जांपल से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स यहां पर साइन एक्स है। तो अगेन यहां जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, एक हमारा ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, अगर हमने इसको यू और वी मान लिया, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, तो एक टर्म्स को हम यहाँ आउटसाइड कर देंगे और सेकंड टर्म्स का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन डीएक्स प्लस सेकंड टर्म्स जो होगा वो आउटसाइड हो जाएगा और फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंशिएशन 5x plus 4 upon dx. Now solve x square plus 5x plus 4 or sine ka differentiation hota hai cos x plus sine x or isme individual sare terms ka differentiation hoga, x square ka differentiation 2x, 5x ka differentiation 5 into 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और अब इन्हीं चीज को केवल सिंपल ऑर्डर में लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू कॉस एक्स प्लस
2x plus 5 into sin x. यहां से आप थोड़ा सा और भी ब्रेकअप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, अदरवाइज यहां तक ये बिल्कुल राइट है जहां तक हमको लास्ट जाना था। तो ये 1-2 क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट रूल्स टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें। जो नेक्स्ट है, अगर यही फंक्शन हमारा डिवाइड फॉर्मेशन में रहे, डिवाइड इन द सेंस ऑफ अगर ये फंक्शन हमारा u / v फॉर्मेशन में रहता है तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे करना चाहिए। अदरवाइज इसे एक टर्म से कि आप सिंपलीफाई करके या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ले, अदरवाइज जनरल डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है तो उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई वन प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। देखिए एग्जामिनेशन में अगर यू बाई वी फॉर्मेशन में कोई फंक्शन दिया हो तो मेरे तो एडवाइस होता है कि आप ट्राई कीजिए कि ये यू बाई वी जो फॉर्मेशन है वो यू इंटू वी फॉर्मेशन में हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना इजी और कम टाइम भी लगता है और डिवाइड फॉर्मेशन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर नहीं हो पाता है लास्टली तो आप इसी फॉर्म में करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ये फंक्शन जो है डिवाइड फॉर्मेशन में है और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो आपका x के टर्म में है, देन dy by dx is equal to, पहला जो डिनोमिनेटर होगा आउट साइड में होगा, न्यूमिनेटर का यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, न्यूमिनेटर को आउटसाइड करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंस करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय जो भी नीचे था उसका स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हो गई कि अगर u by v फॉर्मेशन में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमको क्या करना है। तो लाइक दिस, यहाँ पर भी हमारे पास जो u है वो x है एंड v फंक्शन जो है 1 प्लस tan x है। अब इसी को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दोनों साइड में वेरिएबल x है, सो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफरेंशिएट होकर के जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ u by v की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होगा वो आउटसाइड में होगा, 1 प्लस tan x को यहाँ से बाहर कर लेंगे और जो न्यूमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन माइनस, अगेन न्यूमिनेटर जो है वो बाहर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय dx एंड जो डिनोमिनेटर था उसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस tan x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस x इन 2। अब इंडिविजुअल इनका डिफरेंशिएशन और इनका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा 1 प्लस tan x माइनस x इनटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर x। अब यहां पर जो अगर आप फैक्टराइज करके और सिंपलीफाई करना चाहें तो भी और कर सकते हैं, 1 प्लस tan x माइनस x sec स्क्वायर डेटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर डेटा, तो उससे कुछ मिलने जाने को नहीं है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर डेटा कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करें कुछ कैंसिल हो ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। तो इस तरह से लास्टली ये हुआ, u by v फॉर्मेशन पे कोई डिफरेंशिएशन करना है तो किस लॉ को फॉलो करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगेन इस पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका क्लियर हो। वी बाई वी पे डाउट्स होता है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और 11th 12th मैथमेटिक्स बोथ स्टार्ट है, अगर कोई इंडिविजुअल टॉपिक भी होगा तो उस पर भी आप अगर डालते हैं कि सर इस पर भी थोड़ा सा बता दिए उस चीज़ को भी कर लेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन और लेते हैं x 10x, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x इनटू 10x एंड होल डिवाइडेड बाय 6x प्लस 10x, 6x प्लस 10x। अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक जगह आपको प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा और u by v प्रॉपर्टीज है वो भी अप्लाई करने का, दोनों प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन से प्रोडक्ट और जो डिवाइड का जो रूल्स है वो दोनों रूल्स आपका रिविजन हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx 10x डिवाइडेड बाय 6x प्लस 10x और इनका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो dx के फॉर्मेशन में हो रहा है। तो पहले u by v फॉर्मेशन लगा लेते हैं, 6x प्लस 10x जो डिनोमिनेटर में वो आउटसाइड हो जाएगा और न्यूमिनेटर में जो फॉर्म है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय dx और माइनस फॉर्मेशन ले लेंगे, x 10x आउटसाइड में हो जाएगा और डिफरेंशिएशन आपका डिनोमिनेटर का हो जाएगा 6x प्लस 10x एंड होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर का है उसका स्क्वायर 6x प्लस 10x होल स्क्वायर। और अब यहां पर सिंपल केवल डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे, सेक्स प्लस 10x इनटू इस जगह पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाय dx प्लस 10x इनटू dx अपॉन dx, u इनटू b फॉर्मेशन पे इसको ब्रेकअप कर लिया माइनस x 10x y dx और जब इनका डिफरेंशिएशन होगा तो sec का डिफरेंशिएशन sec x into tan x plus 10 का डिफरेंशिएशन sec square x and whole divided by sec x plus 10 x whole square। Now dy by dx it is equal to 6x plus 10x into x into 10 का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर x प्लस 10x into dx by dx डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x sec x tan स्क्वायर x प्लस x tan x into sec square x। And whole divided by sec x plus tan x whole square। थोड़ा सा इस चीज को फिर थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ जो टर्म्स है ये न्यूमिनेटर, ये जो टर्म्स हुआ इसे हमने u लेट किया और इसे v लेट किया और u by v की प्रॉपर्टीज पे यहाँ पर हमने ब्रेकअप कर लिया v du by dx माइनस u, ये टर्म्स आपका u है u dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। नाउ ये फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, u into v पे डिफरेंशिएशन पे इसको ओपन कर लिया
ये टर्म्स एज इट इज आपका प्रोडक्ट फॉर्म इश्यू में रहा, और डिफरेंशिएशन इसमें sec का करेंगे तो sec x into tan x आएगा, प्लस डिफरेंशिएशन tan का होगा sec square x. डिनोमिनेटर जो होगा एज इट इज हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है. अब जो अगला स्टेप होगा बिल्कुल सिंपल होगा. अब यहाँ से ये जो टर्म्स है टोटल इनसे मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म्स का मल्टीप्लाई हम इनके साथ करेंगे, और ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेंगे जहाँ से ये सारे माइनस से सारे प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जिस जिस जगह पे आपको लगता है कि ये दोनों टर्म्स जो है कैंसिल होने वाले हैं आप उनको कैंसिल कर लेंगे. फर्दर हो सकता है कि इसका पावर उसमें से कॉमन आकर रिड्यूस हो सकता है, तो इस मेथड से क्योंकि यहाँ से डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया, केवल अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करना है. तो इस प्रॉपर्टीज को आप समझ रहे होंगे कि यू बाई वी अगर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशंस का जो नेक्स्ट लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे. पहले ये हमारा डिफरेंशिएशन का टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम 1 to last तक बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर एवरी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम को लेकर के अगेन डिफरेंशिएशन में चलेंगे. जय हिंद.